है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है गांव गांव की बात न्यूज हलचल इंडिया के साथ। आज हमारी टीम ने बात की धार जिले की जनपद पंचायत उमरवन शामिल ग्राम पंचायत सुरानी की जनता के साथ। हमारे खास प्रोग्राम में हम दिखाएंगे गांव के हालचाल और जनता से पूछेंगे योजनाओं को लेकर सवाल। हम जानेंगे कि किस प्रकार से मिलता है जनता को शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ और निकालेंगे उनकी समस्याओं का समाधान। आइए सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं ग्राम पंचायत सुरानी के और शुरुआत करते हैं हमारे खास प्रोग्राम की जिसका नाम है गांव गांव की बात न्यूज हलचल इंडिया के साथ। क्या समस्या है? रोड की परेशानी है। किस प्रकार रोड की समस्या है? गड्ढे हैं, कीचड़ है। तो यहाँ पर किस प्रकार की भी समस्या आती है? कोई हॉस्पिटल वगैरह ले जाने में, कोई हॉस्पिटल ले जाने में, कभी घूमने फिरने जाओ तो कीचड़ ही कीचड़ है, इधर भी कीचड़ उधर भी कीचड़ है, फिर अंजाए तो गड्ढे ही गड्ढे है। तो इस संबंध में बात करी थी सचिव महोदय से? हाँ, बोला था एक साल भर पहले, बोला था गड्ढे मुरुंग डालने की तैयार नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पंच कौन है? पंच रतन बेड़ी पे। तो वो आके बोल सकते हैं माइक पे क्या? हाँ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल? मालूम ना, क्या मालूम कहाँ। गाँव में जैसे डिलीवरी वाली है वो 108 को बुलाते, सही टाइम पे आती है। तो 108 वाले क्या आते हैं? आते पर सही टाइम से नहीं आते, तो उनको आने में दिक्कत ही होती है। ये गड्ढे है। और क्या समस्या? समस्या ये गर्मियों में पानी की दिक्कत जाती है, 2 महीने के लिए पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए तो कहाँ चलाते हो? कुएं पे जाते हैं, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर। आवास योजना का लाभ मिला? यहाँ अभी नहीं मिला, जैसे कोई कोई को मिला है, कोई कोई को। तो इसके लिए इन लोगों ने आवेदन किया? आवेदन अभी तो क्या गया, 2011 की सूची में नाम नहीं आए बोल रहे। गट्टू क्या समस्या है दादा? हमारो यार मकान नहीं बने, सुना कहीं मकान नहीं बने। तुमने कागज दिया था वहाँ की जगह पंचायत में? सब दिया था, सब दिया था। और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत तुमको शौचालय मिली? कहीं नहीं मिली। तो क्या आज भी सोच करने के लिए बाहर जाओ थे? फिर काय करना पड़े यार, झाड़ के झाड़ू पड़े। नहीं, लेटरिन बाथरूम दी कि नहीं दी? हाँ, कहीं नहीं दी। कहीं नहीं दी? जरा जरा खुटेर ने बंदा दिन कहीं कहता ना। अच्छा, अभी नल नहीं चालू करे? हाँ। पानी का पेंशन मिले कि नहीं मिलती? कहीं नहीं मिलती। कहीं नहीं मिलती? तुमने आवेदन करे तो? कहीं नहीं, कहीं। देखो, तुम आवेदन नहीं करोगे जब तक कसो पता चलेगा? वो ये मैडम ना का कहे तो कहे उम्र कम से कहे। आधार कार्ड में उम्र कम? 60 साल से ऊपर देंगे। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? रुपड़िया। कहाँ रहते हो? सुरानी, पंचायत सुरानी है ना। क्या कुछ समस्या है आपकी? आपकी बात ये समस्या से नहीं गया था। क्या? अरंजा में हमें सब टिकट काटा हुआ है हमारा। अच्छा, फिर वो पेंशन भी नहीं मिली रही। पेंशन नहीं मिली रही? तो आपने आवेदन किया था सरपंच मंत्री को बताया था? आओ। क्या बोला उन्होंने? डली जाएगी कहीं हुई जाए चालू, हुई जाए चालू, कम से कम 10 साल हुई है, 50 साल की उम्र। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं। चलो ठीक है, इस विषय में हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। गुमान से क्या समस्या है आपकी? ये यहाँ कीचड़ बहुत हो रहा है तो सब दिक्कत आ रही निकलना। इस संबंध में तुमने किसी से बात करी थी पंचायत? कहीं नहीं करी थी, सरपंच मंत्री को बोला पर कुछ नहीं ध्यान दे रहा। अच्छा, सरपंच मंत्री को बोला था तो ध्यान नहीं दे रहे? हाँ। तो यहाँ पर आपने वोट किन को दिए, पंच को ने? से वो सीताराम आ रहे हैं ना, वो सीताराम भैया कोई? हाँ।
तो चलो हम भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे और सचिव महोदय से ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गुमान सिंह सोलंकी। ठीक, कहाँ रहते हो? सुरानी। क्या समस्या है आपकी? काई समस्या छे तुम्हारी गांव की? किचड़ का लेना। ये किचड़? ये बक्सी हीरो किचड़? अरे भाई हमारी जिंदगी निकली हुआ जे रे, कोई नहीं करता सरपंच लोग। पंच कौन से पंच? पंच ये गांव में छे। काई नाम छे उनको? तो एक तो शांत हुई बने नारायण तुमने वोट के का दिया? नयन का। नयन भाई? नयन भाई कहाँ छे? वो सुरानी उनापुरा। उनापुरा में? हाँ। तो चलो हम उनका सिर्फ संपर्क करांगे। तुमको आवास योजना का लाभ मिलियो कि नहीं मिलियो? कहीं नहीं। पेंशन मिली रही कि नहीं मिली रही? पेंशन मिली रही। कितनी मिली रही? 600 रुपये। 600 रुपये मिली। और स्वच्छ भारत अभियान का अंतर्गत तुमको शौचालय मिली? नहीं नहीं मिली। चलो ठीक है, हम इन संबंध में सचिव मोदी से हम बात हाल तो ही कहीं पुटेर ना कहीं नहीं देता मुड़ेला घर ना मरा हुआ मुड़ेला घर ना मरा। हाँ तो तुमने कागज पत्र कागज दिया था कि नहीं? फोटोन खींच लेगा डॉक्टर शांत हो गया तो वही लेगा फोटोन खींचे फोटोन खींच लेगा। हाँ तो अभी हाल कहीं नहीं देता अभी कहीं नहीं देता। अब तुम कहीं चाहो अभी हमको पुटेर ना चाहिए जो ये खरंजा ना करो का कर दे। चलो ठीक है, हम सचिव मोदी से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका? बट्टू सिंह। कहाँ रहते हो? ग्राम सुरपत पंचायत सुरानी। क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? सर ये कीचड़ यहाँ पे रहे करीब 4 साल से, मतलब हमेशा के लिए इसे जैसा रहता है। तो ये हो नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है। तो यहाँ का पंच कौन है? पंच। क्या नाम है उनका? पंच। पंच पंच सर। आपने कौन सा वार्ड है? वार्ड शायद 2-3 वार्ड होगा शायद। तीन नंबर है इतना तो पता नहीं अपन को है। पंच कौन है? तुमने वोट किसको दिए? जिताया किसको? पंच को पता नहीं अपने। इधर ही अच्छा वो भी इधर से रोज निकलते हैं। पंच भी इधर का शायद होगा पर पता नहीं है हम अपनों को। चलो ठीक है, हम उनसे संपर्क करेंगे। ठीक है। ग्राम पंचायत सुरानी का निवासी हूँ। ये कीचड़ कई सालों से यहीं पर है लेकिन इसके बारे में अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। यहीं पंचों का हमने पंच यहीं आगे रहता है। क्या नाम है उनका? सीताराम नाम है उनका। उनकी दुकान वहाँ आगे है, वो भी डेली निकलते इधर। अच्छा, सीताराम ठाकुर। हाँ तो उनसे संपर्क हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, उनकी दुकान पर जाना पड़ेगा अपने को। तो थोड़ा फ़ोन लगा कर बुला लीजिए उन्हें। नंबर शिवला। कहाँ रहते हो? सुरान। इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जो कीचड़ हो रहा है, अरे इनको तो करने में जरूरी है। अब क्या करो आप, ये सरपंच मंत्री सब कुछ ध्यान नहीं धरे, अब हम क्या करें? हम तो अब बोलते हैं इनको पर कोई ध्यान नहीं। आपने वोट किसको दिया? आपने वोट किसको दिया? सरपंच को। सरपंच को दिया ना? हाँ। तो पंच के द्वारा आपने उनको बताया था? अभी तो मीटिंग ही नहीं हो रही है अब यहाँ, अभी नहीं तो पहले तो महीना महीना हो रही थी, हर महीने मीटिंग होती थी। हाँ। पर अब मीटिंग भी नहीं होती है। मीटिंग भी कहाँ होती है? कहीं ना कहीं इनकी हाँ बोलो ना क्या क्या। यो हमको तो यो काम हो जाए तुम बहुत बढ़िया अच्छी बात कर रहा है। क्या हमको तो यो चाह रहा है कि अभी यहाँ बाजार हाट भी पर चालू हो गया। हाँ हाँ अब रखता ये है मतलब। हाँ तो अब इधर देखो ये किचड़ ये किचड़। अच्छा क्या करो आप? इस संबंध में बात हुई थी तुम्हारी सचिव महोदय से? अब उन रोजी निकलते अब ये हाँ तो रहते हैं। कौन रहते हैं? मंत्री और पूरा रहती है। अच्छा अच्छा हाँ कोई सरपंच मंत्री अपनी मनमानी से यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये जो 4 बैठकें होती हैं ठीक, ये बैठकें क्यों नहीं हो रही है? पंचों का कहना है कि हमारे घर पर डायरी लेकर आते हैं और हमारी साइन ले लेते हैं और 2-2 हज़ार रुपये दे देते हैं। ये सत्य बात है क्या? नहीं सर, अभी तक किसी के घर भी नहीं गया ना पैसे दिए। फिर बैठ के स्वयं कर लेते हो क्या? बैठ के सर जितने भी आ जाते 5-10-20 लोग उनसे कर लेते हैं, जो भी काम करते हैं। तो पंच तो रहते ही नहीं ना गांव के 5-10 समझदार लोग उनसे राय मशवरा करते हैं सर। वो पंच हैं क्या? नहीं सर, जैसे बाउंड्री वॉल बनाना है तो जो 5-10 लोग जो बता रहे हैं आप वो पंच हैं क्या? नहीं सर।
फिर पंची झूठ बोल रहे हैं क्या? आप सर जो बोल रहे हैं कि नहीं 2000 रुपए देते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, गांव के लोग बोल रहे हैं। मतलब फिलहाल तो आप ही बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पता, वीडियो है मेरे पास, दिखा दूँ आपको। हाँ वीडियो है तो आप मेरे से बात करें, मैं भी कहीं बोल दूंगा तो आप लोगों को वीडियो में मेरे को पेश कर देंगे ना। अच्छा, और इसमें बैठ के अभी तक तो नहीं लिया आपने, डायरी दिखाओ ना आप मुझे। सर ग्राम सभा रजिस्ट्रार भी मैं लाया था, मैं इसमें अभी कहाँ रहता है मैं सर, बेटे रहता पास में सर। नहीं ग्राम सभा जो रजिस्टर वो कहाँ है सर? अभी तो वहाँ पुराना देखा टका कि पंचायतों में ही मतलब जो देता कि जैसे ये पंचायत किस लिए बनाई है सरकार ने, यहाँ पर लाखों रुपए क्यों लगाए? हाँ सर पर अभी अभी हम यहाँ आए तो अभी मतलब अभी जस्ट आए, नहीं 15 अगस्त से ओपनिंग करी तो फिर डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं लाए? जो सामान था कि अलमारी में वो वही वही रखा है, अब लाएंगे सर जी। तो डायरी नहीं लिखा पाओगे? अच्छा सर आज मतलब यहाँ हाट बाजार लगता है जी, इसकी वसूली कौन करता है? वसूली जी सरपंच साहब करते हैं। इसका लेखा जोखा किसके पास है? उनके पास मिलेगा। तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्यों रखा है सर? लेखा जोखा सरपंच साहब रखेंगे? नहीं सरपंच साहब दो दो आदमी नियुक्त किए हुए हैं यहाँ पर, रोजगार सहायक और सचिव मंत्री, उनको लाखों रुपए खर्चा करती है गवर्नमेंट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या उनके पास रहेंगे? नहीं सर पर जैसे वो पैसा वगैरह वसूल किया करते, वसूल करते वो जो हमको देते वो तो आपको बैंक में जमा करते, उसके बाद जो नहीं देते तो उसके लिए वो वही रख लेते, बोले वहाँ इतना खर्चा हुआ है ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। सर आपको ग्राम पंचायत तनख्वाह जनपद पंचायत देती है कि सरपंच साहब देते हैं, कोई पहले तो ये बताइए आप। जनपद पंचायत देते हैं। तो फिर आपने लेखा जोखा आपके हाथ में क्यों नहीं सर? वसूली का नाम ये सरपंच साहब करते हैं ना सर, तो जो भी पैसा देते हैं मैं वो पैसा बैंक में करता हूं। वो पैसा कहाँ खर्च किया आपने? मैंने सर अभी कुछ नहीं खर्च किया उसमें, जो भी मेरे को दिया 7-8 हज़ार वो बैंक में। कितना अमाउंट आता है सर? हफ्ते मतलब साप्ताहिक आ जाता है सर 2000, 2500, 1800, 1500 जैसे मार्केट के हिसाब से। कभी तक कितनी दुकानें लगती हैं सर? दुकानें लगती है कम से कम 100 के आसपास लग जाती है, 100, 80, 50, 75 जैसे मतलब 60 पकड़ लेते ठीक है। एक दुकान से कितना पैसा लेते हो? 10 रुपये। 60 दुकान का अमाउंट कितना हुआ? 60 दुकान का अमाउंट कितना हुआ? 6,000 लेते, इससे ज़्यादा नहीं लेते? नहीं सर। कितने की दुकान देते हो, कितने बाई कितने की दुकान देते हो सर? ये तो नहीं पुरानी है पर जो भी उनकी दुकान है जैसे 10x10 की कोई छोटा वाला, 5x7 में जैसे भी उनके छोटी बड़ी दुकान होती है। 31,000 रुपये सालाना ही करते, 31,200 रुपये सालाना ही करते। और क्या वसूली होती है सर? बस उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ नहीं। 11 में जितने आवाज आए थे फिर भी कितने आए? 115। रोजगार साहब हुआ 115 बैठिए ना, 115 लोगों को पूरा मिल चुका इसमें से बाहर गांव से चार लोगों को। अच्छा नई लिस्ट कितने लोगों की दे रही है? 298। तो जिसमें वास्तविक में जो गरीब हैं उन लोगों को अब आने वाली लिस्ट में मिल जाएगा? कब तक हो जाएगा सर? सरकार स्वीकृत जब भी करेंगे बजट के हिसाब से परमिशन मिलेगा। तो थोड़ा मुझे गाँव भ्रमण करो, इनेश निंगवाल। कौन से पंचायत में? सुरानी ग्राम पंचायत। क्या पद है आपका?
सचिव हूँ। महोदय जी, ये जो मेन रोड पे पानी बह रहा है, यहाँ पर नालियाँ क्यों? इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहो? नालियाँ सर पूर्व में थी, पर गांव के लोगों ने अतिक्रमण करके नालियाँ बूझ दी, तो पानी रोड पे आ रहा है। तो सर आपको यहाँ पर इस पौधे वाले को इसलिए और क्यों बिठाया है? सर गांव की सेवा के लिए और जो सरकार की योजनाएँ चल रही उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए ठीक है जी। कहीं ना कहीं आपका निकलना ये पूरा कौन सा आता है? ये तेलीपुरा सर। तेलीपुरा जी। इस तेलीपुरा में मुख्य मार्ग पर जो कीचड़ हो रहा है, जो पानी भर रहा है, इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहोगे? सर मैंने अभी SV बाबा वाले को फ़ोन करके नदी से जो आता है कि बॉर्डर, वो दो चार ट्रिप ढकवा के वो प्लेन कीचड़ में करने का है सर। पिछले लोगों का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 10-15 सालों से ऐसा ही चल रहा है, तो सर इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहूँगा? सर मैं 10-15 साल से नहीं हूँ, मैं 2 साल से हूँ। मेरे को अभी गाँव के लोगों ने बोला तो मैंने क्या 2-4 रोज में व्यवस्था करवा के मैं हलवा रहा हूँ। ये जो बाउंड्री वाल बनी है जी, ये कौन सी योजना के अंतर्गत तो बनी हुई है? ये सर 15 वित्त की और मनरेगा के। इसमें आपने ठेकेदार को ठेका दिया है? नहीं सर, ठेकेदार को नहीं, वो लेबर। मेरे पास वीडियो है। नहीं वो लेबर है, बताएं आप। हाँ मेरे पास वीडियो है, वर्कर द्वारा बताया गया है मुझे कि यहाँ पर मनरेगा में हम काम कर रहे हैं, न हमारा जॉब कार्ड है और ना ही मतलब हमें ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर काम पे लाया गया है। नहीं सर वो क्या है, और ना इस ग्राम पंचायत के मिस्त्री लोग यहाँ नहीं थे, उनके पास थे मिस्त्री है, तो वो सर क्वालिटी अच्छा काम करे तो मैंने दिन से दे रखा मिस्त्री के, मटेरियल अपना है, टोटल अपना, केवल उनको मिस्त्री के रोज के रूप में दे रहे हैं, मतलब रोजिंदारी के रूप में। जी जी। तो फिर वर्कर झूठ बोल रहे हैं क्या? सर वर्कर तो कुछ भी बोलेंगे, जैसे हम रोजगार के लिए नहीं, कैसे बोलेंगे बताएं आप? रोजगार के लिए काम खोल रखे सर मुझे, मैं आपको बोलूँ आप ढेर पी लो, पाइजन पी लो, तो आप पी लोगे क्या? नहीं, कोई किसी मर्जी से नहीं बोलना चाहते हैं, वो उन्हें मनरेगा के तहत आप लोगों ने जॉब मगर जॉब कार्ड वाले लोगों को काम दिया है। पहला दायित्व ये बनता है आपका कि यहाँ पर जी मनरेगा के जो जिनके जॉब कार्ड है जी सर, कुछ मिस्त्री भी होंगे यहाँ के लोग है ना सर, तो आप लोगों ने उन लोगों को क्यों नहीं काम दिया? सर वो लोग और जैसे आवाज़ चल रहे हैं और जहाँ भी उनकी इच्छा अनुसार जहाँ काम कर रहे हैं वहीं काम कर रहे हैं सर।